हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेल. लेट्स स्टार्ट द सब्जेक्ट मैथ्स ऑफ स्टैंडर्ड सिक्स. इन दैट इन प्रीवियस सेशन वी कंप्लीट द एक्सरसाइज 5.2. नाउ ऑन पेज नंबर 93, एन एंगल स्मॉलर देन अ राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. दीज आर एक्यूट एंगल्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट एंगल? द एंगल्स विच आर स्मॉलर देन राइट एंगल. राइट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री से जो एंगल छोटा होगा उससे हम कहेंगे एक्यूट एंगल. हियर वी हैव टू गिवन दी सम एग्जांपल्स ऑफ एक्यूट एंगल. जहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहा है हियर वी हैव टू गिवन दी सम मार्क फॉर दैट. ओके नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 94. इन दैट सी द डेफिनेशन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल. इफ एन एंगल इज लार्जर देन राइट एंगल बट लेस देन स्ट्रेट एंगल इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल एंड दीज आर ऑब्ट्यूस एंगल्स. ओके डियर स्टूडेंट, जो एंगल राइट एंगल से बड़ा है दैट मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन स्ट्रेट एंगल दैट मीन्स लेस देन 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, राइट एंगल 90 डिग्री. सो दीज टाइप्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल एंड हियर वी हैव टू गिवन दी एग्जांपल्स ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल. नाउ सी द नेक्स्ट, जहाँ पे पेंसिल से मैंने राइट किया रिफ्लेक्स एंगल. अ रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन स्ट्रेट एंगल. ओके रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है? लार्जर देन स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल दैट मीन्स 180 डिग्री से वो बड़ा होता है. इट लुक्स लाइक दीज, सी द एंगल्स मार्क. ओके डियर स्टूडेंट्स, पास में जो क्लॉक है वहाँ पे आप देखो, वहाँ पे मार्क किया हुआ है, जो डॉट डॉट करके जो एंगल का मार्क दिया है उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल. ओके वो स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है. नाउ सी एक्सरसाइज 5.3, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट वन स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का. अब 180 डिग्री दैट मीन्स हाफ रिवोल्यूशन होता है. तो फर्स्ट काम मैच करेंगे सी के साथ, हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, स्ट्रेट एंगल. ओके सेकंड राइट एंगल. राइट एंगल कितना होता है? 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन. टोटल 360 डिग्री होता है, उसका 1/4 करेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा. थर्ड वन एक्यूट एंगल, तो लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन. ओके एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, 1/4 दैट मीन्स व्हाट? 360 ऑफ 1/4 दैट इज 90. देन आफ्टर नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल, तो बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन. ओके 1/4 दैट मीन्स 90 डिग्री एंड 1/2 दैट मीन्स 180 डिग्री क्या बीच का होगा. रिफ्लेक्स एंगल मोर देन हाफ रिवोल्यूशन. हमने अभी ऊपर देखा रिफ्लेक्स एंगल लार्जर देन स्ट्रेट एंगल होता है. स्ट्रेट एंगल दैट मीन्स हाफ रिवोल्यूशन हो जाएगा. ओके तो फिफ्थ हो जाएगा मैच बी से. देन आफ्टर नेक्स्ट पेज नंबर 95, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज अ राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल. तो फर्स्ट वन डियर स्टूडेंट, आपको एंगल देख के पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 90 डिग्री जहाँ पे बनता है वहाँ पे एल शेप होता है. बट यहाँ पे जो ये एंगल दिया है ओके वो 90 डिग्री से कम है, दैट मीन्स एक्यूट एंगल. सेकेंड वन आप देख सकते हो एल से बड़ा शेप हो रहा है, दैट मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल. थर्ड वन यहाँ पे एग्जैक्ट एल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है दोनों साइड, तो हो जाएगा राइट एंगल. देन आफ्टर डी ओके वो कितना स्ट्रेट एंगल से बड़ा हो रहा है. ओके स्ट्रेट दैट मीन्स स्ट्रेट जो लाइन होगी वहाँ पे ऊपर एंड नीचे जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, लेकिन ये उससे बड़ा है दैट मीन्स रिफ्लेक्स एंगल. ई स्ट्रेट लाइन है ओके तो यहाँ पे एंगल बनेगा वो स्ट्रेट एंगल. देन आफ्टर एम शेप है तो उसके जो दो कॉर्नर है वो लेस देन 90 डिग्री होगा, दैट मीन्स एक्यूट एंगल. ओके नाउ नेक्स्ट देखो जो हाईलाइट किया द मेजर ऑफ एंगल. ओके वी कॉल अब मेजर डिग्री मेजर. ओके एंगल को मेजर करते हैं डिग्री में. वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स. ओके पूरा एक रिवोल्यूशन होता है, एक सर्कल वो कितना 360 डिग्री का होता है, एंड रिवोल्यूशन वो 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है.
ईच पार्ट इज द डिग्री, ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं डिग्री। वी राइट 360 डिग्री टू से 360 डिग्री, डिग्री के लिए हम छोटा सा एक ऊपर डॉट करते हैं, राउंड करते हैं, उसको हम कहते हैं डिग्री। देन आफ्टर नीचे थिंक डिस्कस एंड राइट हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन हाफ रिवोल्यूशन, हाफ रिवोल्यूशन में कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। इन वन राइट एंगल, वन राइट एंगल में 90 डिग्री। इन वन स्ट्रेट एंगल, वन स्ट्रेट एंगल में हो जाएगा 180 डिग्री। हाउ मेनी राइट एंगल्स मैक्स 180 डिग्री 360 डिग्री, कितने राइट एंगल 180 डिग्री बनाएगा तो टू राइट एंगल, एंड कितने राइट एंगल 360 बनाएगा तो फोर राइट एंगल है वो 360 डिग्री बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 96, डियर स्टूडेंट्स हियर यू हैव टू गिवन द वन एक्टिविटी, यू हैव टू जस्ट कट दी हाफ सर्कल शेप पेपर एंड देन आफ्टर यू हैव टू फोल्ड इट वन टाइम एंड देन आफ्टर प्रेस इट अगेन, फोल्ड इट इंटू हाफ एंड प्रेस इट एंड देन आफ्टर ओपन इट सो यू कैन सी दीज एंगल्स। ओके, फर्स्ट वन जो मिड में है वो 90 डिग्री का होगा, देन आफ्टर आपकी राइट साइड जो एंगल बन रहा है वो 45 एंड जो लेफ्ट साइड पे बनेगा वो 135। इस तरह से ये सब एंगल मिलेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट प्रोटेक्ट, ये स्टूडेंट्स यू हैव टू सी दीज टाइप्स ऑफ वन इंस्ट्रूमेंट इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ओके, इसको प्रोटेक्टर कहते हैं। द कर्व्ड एज इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स, इसके ये जो प्रोटेक्टर है वो 180 डिग्री तक का मेजरमेंट होता है। द मार्किंग स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू द राइट साइड एंड एंड्स विथ 180 डिग्री टू द लेफ्ट साइड एंड वाइस वर्सा। ओके, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड 180 डिग्री तक एंड लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो राइट साइड में 180 डिग्री तक यहाँ पे इसका मेजरमेंट होता है। डियर स्टूडेंट एंड देन आफ्टर जो दूसरा प्रोटेक्टर है वहाँ पे एंगल को मेजर किस तरह से करते हैं वो दिखाया है। फॉर एग्जांपल, इस तरह से कोई एंगल दिया है जो पास में दिया है, गिवन एंगल ए बी सी। ओके, तो उसको हम मेजर कैसे करेंगे, तो पास में जो प्रोटेक्टर है वहाँ पे आपको दिखाया है उसका जो बॉटम पार्ट है प्रोटेक्टर का, वो हम जो एंगल का बॉटम पार्ट है यहाँ पे बी सी वहाँ पे रखेंगे एंड देन आफ्टर जो एंगल का दूसरा रे है जहाँ यहाँ पे बी ए तो वहाँ उसके साथ मैच एंड जितना एंगल मिलेगा वो हमारा मेजरमेंट होगा। ओके, यहाँ पे बी सी जो पार्ट है वहाँ पे हम उसको ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो 40 डिग्री का मेजरमेंट होगा। ओके, 140 का नहीं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, स्टार्टिंग ज़ीरो से होता है, उसी लाइन में हमें मेजर तक जाना है। देन आफ्टर नेक्स्ट पेज नंबर 97। ओके, यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें एंगल किस तरह से मेज़र करना है उसके बारे में है। ओके, देन आफ्टर एक्सरसाइज 5.5, व्हाट इज़ द मेजर में मेजर ऑफ फर्स्ट वन राइट एंगल, राइट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 90 डिग्री एंड देन आफ्टर सेकंड वन दैट इज स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का 180 डिग्री। देन आफ्टर ट्रू फॉल्स इन दैट फर्स्ट वन द मेजरमेंट ऑफ एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, यस ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड वन बी द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द मेजरमेंट ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सी द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल है वो 180 डिग्री से ग्रेटर होता है, यस ये स्टेटमेंट ट्रू है। डी द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑलवेज 360 डिग्री का होता है। ई मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 53, एंगल बी 35 डिग्री, देन एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज एंगल वन ए दैट इज 53 डिग्री इज ग्रेटर देन 35। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल, तो डियर स्टूडेंट्स हियर यू हैव टू राइट एनी एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल मीन्स
less than 90 degree. So here I write the just any two examples, that is 30 degree and 40 degree. You can write any two one which is less than 90 degree. B, sum obtuse angle. Okay, that means greater than 90 degree and less than 180 degree. So you can write any two angles. Here I write 100 degree and 95 degree, but you can write any 2 degree. Just you have to follow the rules of that. Okay, thank you.